गाइडेंस मिली होती ना, जितना एफर्ट जय सर आपके लिए ले रहे हैं या मैं ले रहा हूँ, तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं बहुत अच्छी जगह कहीं पहुंच चुका होता। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने किस तरह पढ़ाई करी है ये मैं जानता हूँ, मैंने किस तरह पढ़ाई करी ना मैं जानता हूँ। मेरे माँ बाप ने सैकड़े पे पैसा उठाया था ब्याज पे, आई वॉज अ वेरी मिडिल एंड एवरेज क्लास कैंडिडेट। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ, जो गलतियां मैंने करी थी वो तुमने नहीं करनी। तुम गलती करो तो माँ बाप नहीं अपने घर पे बोलते हैं कि इंसान अपनी ठोकर से सीखता है, तू गलती कर लेकिन तू नहीं गलती कर, तू ऐसी गलती कर जिससे मैं भी सीखूं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहली चीज, बहुत सारे कैंडिडेट्स आजकल यहाँ पे मतलब जनरल एकदम एवरेज डाउट होता है, इंजीनियरिंग करनी है सीईटी जेईई या मेडिकल करना है तो एमएचसीईटी नीट। पहली चीज, डिग्री हैज इंपॉर्टेंस, कॉलेज की अहमियत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो आप लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाओगे, आई एम नॉट डिफाइनिंग सक्सेस, बट यस, एक अच्छे कॉलेज की डिग्री तुम्हें सक्सेस दिलाने के लिए पहला दरवाजा खोल। यार यहाँ पे सब लोग सक्सेसफुल बनने बैठे हैं ना, कोई ऐसा यहाँ पे जो अनसक्सेसफुल होना चाहता है? नहीं, हम लोग ठेला लगा लेंगे। सब सक्सेसफुल बनने बैठे हैं ना, एक अच्छे कॉलेज की डिग्री तुम्हारा सक्सेस का पहला दरवाजा खोल। डिग्री हैज इट्स इंपॉर्टेंस, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो आप अनसक्सेसफुल हो गए ना, बट डिग्री हैज इट्स इंपॉर्टेंस। पहली चीज, आपका प्राइम मोटो होना चाहिए कि अगले दो साल मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक अच्छी डिग्री हूं। इट रियली मैटर्स। मैं आपको 2006 का एक इंसिडेंट बताता हूं, गूगल पे मेंशन है, किसी को लगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप चेक कर लेना। 2006 में L&T कंपनी, पता है आपको बैकलॉग में नाम सुना है, इंफोटेक की कंपनी। 2006 में L&T कंपनी को कुछ इंजीनियर्स चाहिए थे, दे हैड अ फ्यू वैकेंसी फॉर इंजीनियर्स। उन्होंने ठीक है उस टाइम पे कहा, इतना इंटरनेट का जोश भी नहीं था, उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू के लिए बढ़िया सा एक पोस्ट दे दिया, सारे पेपर्स में डाल दिया वॉक इन इंटरव्यू। उन्होंने बोला इंटरव्यू लेंगे, कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। 10,000 कैंडिडेट लाइन लग गई L&T ऑफिस के बाहर, 10,000 डेटा है, फैक्ट पे बात कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा आपसे। पर क्या एचआर के लिए पॉसिबल है वो 10,000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना? उसने आके अपने टीम को बोला कि एक काम करो, आप सबके रेज्यूमे लेके रख लो। सबके रेज्यूमे ले लिए गए, 10,000 रेज्यूमो की एक फाइल बनी। उन्होंने बोला एक काम करो, फिल्टर आउट द कैंडिडेट्स फ्रॉम टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से कैंडिडेट्स फिल्टर आउट कर लो, बाकी सबको घर भेज दो। जो लोग, जो इंजीनियर्स उस दिन वहां से लौटे, क्या वो खराब इंजीनियर्स थे? क्या वो खराब इंजीनियर्स थे? बट उस समय उनको वहां पे एंट्री। सो डिग्री हैज इट्स इंपॉर्टेंस। यहां पे आप जय सर से कभी पूछो, ही इज हायरिंग फैकल्टीज, रोज कितने सीवीज आते हैं उनको और किस बेसिस पे वो सीवीज रिजेक्ट कर देते हैं कॉलेज। ऑनेस्टली हमारे पास इतना टाइम, इतना समय, इतना पैसा नहीं होता कि हम सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लें या आपको जज करें, किसी कंपनी के पास नहीं होता यार, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं एकदम। इसलिए डिग्री हैज इट्स इंपॉर्टेंस। पर दूसरी प्रैक्टिकल बात और दूसरी हकीकत और सच्चाई ये भी है कि अगर आप सब जेईई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में बैठ जाओ तो सबके सब सेलेक्ट, अरे क्या तुम सब पहुंच जाओगे IIT बॉम्बे कॉलेज में? और इस प्रैक्टिकल डेटा पे बात करते, क्या तुम सबके सब, मैं सपोज अपने बैच में 10 स्टूडेंट्स लेता हूं या कोई भी कोचिंग में आप जाओ, वहां पे 500 कैंडिडेट एक बैच में भरे हमने, क्या वो 500 के 500 एक अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होंगे? होंगे नहीं होंगे? पेरेंट्स का सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है कि सर अगर हमने 2 साल तैयारी करी और हमें कॉलेज नहीं मिला उसके बाद क्या? मैं ये कभी नहीं कह रहा कि अगर तुम तैयारी करते, देयर आर एक्स वाई जेड, एक सिलेक्शन देने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन वेरियस फैक्टर्स। अगर सिर्फ एकेडमिक्स से बच्चा सेलेक्ट हो जाता ना, अगर सिर्फ IIT में टॉपर्स चले जाते, 2020 का डेटा बता रहा हूं आपको, इंडिया में 14,94,052 स्कूल्स हैं, 14 लाख टॉपर बैठे इंडिया में,
जिसमें से 2.5 लाख टॉपर्स आर फ्रॉम सीबीएसई स्कूल। सिर्फ एकेडमिक से अगर बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता तो बाकी क्या किया, फिर तो कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा। बट ये 2 साल जो आप मेहनत करते हो, द हार्डवर्क विच यू डू दीज 2 ईयर्स, ये आपको जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये सोच के आप कहीं पे भी एडमिशन लोगे कि यार हमें आईआईटी में पहुंचना है, ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सोच लिया ना कि आईआईटी में पहुंचना है, आईआईटी नहीं पहुंचे तो क्या होगा, यार मुझे एक बात बताओ, तुम जो भी कर दो, तुम अभी केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है ना यार, या तो लिख के दे दो कि आप केमिस्ट्री में फुल लाओगे, तुम्हारे केमिस्ट्री में 100% आएंगे, गारंटी इज हर बच्चा बोल सकता है। काम करना तुम्हारी आदत होनी चाहिए, कर्म करो, उस पल की चिंता मत करो, आपको मेहनत करनी है। 2 साल तू लग के मेहनत कर, अगर तुम 2 साल डेडिकेशन और फोकस्ड रह के तुमने मेहनत कर ली तो कॉलेज को भी हो तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बनोगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा बोलते सर मैं यूपीएससी करनी है, अरे तू कर यूपीएससी, बिल्कुल कर, उसके बाद आते हैं सर आईआईटी की क्या जरूरत है, मैंने कब का जरूरत है, क्या हर यूपीएससी एस्पिरेंट आईआईटीएन होता है, पर वो आईआईटी की तैयारी करता है और करनी भी चाहिए। जेई की तैयारी करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने एक टफ एग्जाम की तैयारी करी है, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, दैट कॉन्फिडेंस इन यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहली चीज तो डिग्री हैज इट्स इंपॉर्टेंस, नहीं होता है उसकी बात 2 साल बाद करनी है, आज नहीं। आज तुम यहां खड़े होकर बोलोगे सर हमारा तो जेई हो ही नहीं सकता, एक तो ड्रीम्स आईआईटी में पहुंचना एक सपना है, कितने लोगों का सपना, अच्छा ऑनेस्टली मुझे बताओ अच्छा कॉलेज जाना कितने लोगों का सपना है, कितने लोगों का सपना है, मैं गारंटी देता हूं अगर तुम में से कोई पहुंच गया ना तो मुझे आके बताना। सपने हकीकत में, मेरा सपना था कैटरीना कैफ से शादी करने, सही बता रहा हूं तुम्हें, प्रैक्टिकली एकदम बात कर रहा हूं। सपने अगर हकीकत में बदल जाते ना, जैसे कि कितने सपने थे, बहुत होंगे आज भी है, सपने हकीकत में नहीं बदलते भैया, जिस दिन आपने जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये चीज आपका सपना है, उस दिन आपने पहले ही अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये चीज मुश्किल है और आपसे नहीं होगी, इसलिए तो वो सपना है। स्टार्ट एमिंग टुवर्ड्स गोल्स, गोल फिक्स करो, एम फिक्स करो एंड वर्क टुवर्ड्स इट, तुम्हारा काम है उस गोल की तरफ बढ़ना, वो हासिल हो गया। तुमने बहुत अच्छी तैयारी करी 2 साल, एग्जाम के एक दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, क्या करेगा, क्या करेगा तू, एग्जाम क्लियर होना ना होना और उसके आगे अच्छा कॉलेज मिलना ना मिलना, ये तुम्हें अभी सोचने की जरूरत, तुम्हें अभी ये सोचना है कि ये 2 साल मुझे मेहनत करनी है, मुझे फोकस। सेकेंड थिंग, यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन करेक्ट डायरेक्शन, अपनी मेहनत सही दिशा में लगाओ। क्या मेरी बात समझ आ रही है, बचपन से हमें एक कहानी सुनाई गई, मुझे पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी, मैंने तो बहुत सुनी है। तो एक गांव था, बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव था वहां पे पानी नहीं था, तो लोगों को कुआं खोदना था। अच्छा भाई साहब कुआं खोदना था तो वहां पहुंचे, कुआं खोदा जाए तो एक आदमी ने बोला भाई यहाँ पे 20 फीट का कुआं खोदे, यहाँ पानी मिलेगा तेरे को। खोदा, बहुत मेहनत लगी, इतने लोग लगे, 20 फीट का कुआं खोदा, वहां पे पानी मिला ही, सब लोग बहुत परेशान बहुत हैरान, अब क्या करें। तो पंचायत आए, उन्होंने बोला क्या कर रहा है तू, पीपल के पेड़ के बगल में खोद, वहां पेड़ है वहां पानी मिलेगा, वहां भी 20 फीट खोदा पर वहां भी पानी। ऐसे उन्होंने 5 जगह 20-20 फीट के गड्ढे खोदे, 5 जगह। फिर एक समझदार व्यक्ति आया, उन्होंने उसको बोला अगर तुम सब मिलके एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा खोद देते तो क्या पानी मिल जाता। यू हैव टू बी फोकस and you have to put your efforts in correct direction. आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है,
कैसे पढ़ना है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, यहां जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं पुणे में, पुणे के बाहर तो बहुत है, कोटा मंडी बसी है जहां से मैंने अपनी तैयारी करी थी, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहा, एक ही मटेरियल हर जगह चलता है, ऑनेस्टी है एकदम, एक ही मटेरियल हर जगह चलता है। मतलब तू समझ कम से कम 5 लाख बच्चे एक ही मटेरियल लगाते हैं, फिर भी सिलेक्शन तो सिर्फ 10,000 का होता है। तुम्हें यह सोचना है बाकी लोग गलती क्या कर रहे हैं। मैं आपको ठीक बताऊं मटेरियल कैसे लगाना है, वो भी एक टेक्निक है। आपको यह सोचना है कि आप क्या गलत कर रहे हो, पहले तो उसको सुधारो, और तुम जो गलत कर रहे हो वो तुम्हें मैं बताऊंगा। ये 2 साल, फर्स्ट डिग्री इट इज रियली इंपॉर्टेंट, अगले 2 साल योर फोकस शुड बी टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज ऑफ योर स्ट्रीम, फिर चाहे वो लॉ हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी, यू हैव टू गेट इन द बेस्ट कॉलेज। ये आपका ड्रीम, ड्रीम नहीं एम होना चाहिए। एंड सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू बी फोकस्ड एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्ट डायरेक्शन। मैं आपको यही कहता हूं, अगर तुमने 2 साल लग के मेहनत कर ली तो तू जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर बनेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। मैं ये गारंटी आपको नहीं दे सकता कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, अभी नहीं दे सकता, पर अगर तूने 2 साल मेहनत कर ली तो तू जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर बनेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अगर इंस्टीट्यूशन से आपको कुछ सीखना है तो आप सीख के जाओ मेहनत करने की आदत, सबसे पहली चीज। मेरे पास बच्चे आते हैं, सर हम तो बहुत एवरेज हैं, सर हमारा 90% वाले लोग, और सबसे बड़ा डाउट सर फाउंडेशन करके आ रहे हैं बच्चे। मैं मानता हूं जिन बच्चों ने 8 से तैयारी शुरू करी है दे हैव बेनिफिट 100%, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट क्या वो सारे के सारे सेलेक्ट होते हैं? काबिलियत होनी चाहिए, अपने अंदर काबिलियत होनी चाहिए। बच्चे आ जाते हैं सर हम तो बहुत एवरेज कैंडिडेट हैं, सिलेक्शन तो सिर्फ टॉपर्स का होगा, अच्छे कॉलेज पहुंचेंगे। सर हम तो आज तक जहां एफर्ट्स लगाते आए हैं वहां पे हमें निराशा ही मिली है। डिस्कवरी चैनल देखते हो आप लोग? डिस्कवरी 7+ एक स्टार्ट हुआ था, कोई देखता है एनीवन? तुमने वो फिश वाला इंसिडेंट देखा था एक्वेरियम में? डिस्कवरी चैनल पे उन्होंने लाइव इलस्ट्रेट किया, एकदम फैक्ट पे बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल एकदम। उन्होंने एक एक्वेरियम लिया, उन्होंने एक एक्वेरियम लिया, उसमें 7 मछलियां डाली, देखा है तुमने? उन्होंने एक एक्वेरियम लिया, उसमें 7 मछलियां डाली और बीच में एक ट्रांसपेरेंट थिन शीट ऑफ लाइक प्लास्टिक, थोड़ी सी मोटी शीट, ट्रांसपेरेंट एकदम, मतलब आपको पानी आर पार दिख रहा है, उन्होंने ऐसे बीच में डाल दिया और एक साइड पे 7 मछलियां ऐसे पानी में, मछलियां जाए उससे लड़े और वापस मछलियों को लगे यार वहां पे दुनिया है, हमें तो वहां जाना है, वो बार बार वहां जाए, बार बार लड़के वापस, बार बार जाए, बार बार लड़के वापस, 7 दिन, 7 days एक्वेरियम वाज केप्ट लाइक दैट। 8वें दिन जैसे ही उन्होंने वो प्लास्टिक बाहर निकाला, उन्होंने देखा सिर्फ 2 मछलियां थी जो दूसरे साइड पहुंच चुकी थी, बाकी सारी मछलियां उसी रीजन में तैर रही थी। 7 बार निराशा होने के बाद दे वर इन अ माइंडसेट कि हम उधर जा, जिंदगी आपके लिए कब रास्ते खोलेगी आपको नहीं पता है, इसलिए ट्रस्ट योरसेल्फ, मेहनत करते रहो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें हकीकत बता दूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं मैंने जितनी गलतियां करी थी ना 11-12 में, उसमें से 90% आप करने वाले हो, ये मैं अभी बता रहा हूं। मैं बहुत एवरेज कैंडिडेट था, मेरे 10वें में 86% आए थे, वो भी CBSE में, तुम लोग तो 90% वाले बैठे हो यहाँ पे, 86% आए थे मेरे, और 12th में 74, मैंने अपनी पूरी 11th खराब करी थी। मैं आपको यही बताऊँ, उस टाइम पे बंसल क्लासेस में एंट्रेंस होता था, जब मैंने एंट्रेंस दिया था, तो मैंने एंट्रेंस दिया, मेरे को पहला बैच होना था S4, PQRS, और P में भी P1 से P12, Q1 से Q10, ऐसे बैचेस थे, मुझे मिला था S4, नीचे की सीरीज में आई थिंक 5वां या 6वां बैच था। जब मैं पहले दिन क्लास में पहुंचा, जो हमारे सर क्लास में आए थे, उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि तुम लोग में काबिलियत नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। दीज वर द वर्ड्स जो मैंने पहले दिन अपनी क्लास में सुने थे।
और उसके बाद मैंने मेरी केमिस्ट्री बहुत खराब, समझ ही नहीं आ रहा था एकदम, बहुत खराब। और उसके बाद 11th में कंटिन्यूअस मिस्टेक्स, कंटिन्यूअस, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लड़की, मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे, कोई हंसने वाली बात नहीं, मैं ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली एकदम, तुम बड़े हो गए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लड़की देख के कुछ नहीं होता ना तो सर लड़ता नहीं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, दिस इज द चेंज मैच्योरिटी विच इज कमिंग इन टू योर लाइफ। ये तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे आने वाली जनरेशन के साथ भी होगा, मैं आज बता रहा हूं तुम्हें, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। द पॉइंट इज कि क्या आप 2 साल इसको कंट्रोल कर सकते हो? मैंने नहीं किया था, मेरी गलती थी वो। अरे बहुत नेचुरल सी चीज है यार, शर्माने वाली बात नहीं है कोई, बट आपको 2 साल इसको कंट्रोल करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहली चीज, डिग्री इन योर लाइफ इज रियली इंपॉर्टेंट। आप किस कॉलेज से डिग्री लेते हो इसका महत्व तो है। दूसरी चीज, प्रिपेयर ऑनेस्टली फॉर दैट डिग्री, पुट योर 100% एफर्ट्स इन करेक्ट डायरेक्शन, बी फोकस्ड, मेहनती बनो, मेहनती, मेहनत हर चीज को बदल सकती है। यहां पे मेरे पास 11th में जब बच्चे आते हैं ना, तो उसमें से हमेशा कुछ बेस्ट फ्रेंड्स मिल जाते हैं, हाँ मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, या ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम साथ में कॉलेज में जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, दोस्त होना बहुत ही अच्छी बात है, बट चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। आपका दोस्त आपका सलाहकार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हमेशा दोस्तों को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, जो वो कर रहा है सलाह वही हम करेंगे ना। मेरी केमिस्ट्री, मैं सच बताऊं, मेरी केमिस्ट्री बहुत खराब थी, और इनऑर्गेनिक खास तौर पर मुझे समझ ही नहीं आती थी, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता था, जहां फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी समझ में आने लगती थी वहां टीचर बोल देता एक्सेप्शन, सर ये कैसे हुआ, एक्सेप्शन है बेटा, तू सॉरी फिजिक्स में तू मेरे से न्यूमेरिकल पूछ ले, मैं बोलूंगा एक्सेप्शन है। मुझे कभी समझ ही नहीं आती थी केमिस्ट्री। 11th में स्कूल के एग्जाम में 100 में से 14 नंबर आए थे मेरी केमिस्ट्री में, 100 में 14। केमिस्ट्री मेरी बहुत खराब थी। 12th स्टार्टिंग में मेरा एक दोस्त था, उसकी केमिस्ट्री एकदम बहुत बढ़िया हिट, उसने ऐसी 5 किताबें खरीदी बढ़िया बढ़िया एकदम पीजीटी लेवल की, पता नहीं कौन कौन सी, मुझे नाम भी नहीं याद है, एक याद है ऐसे इंसान याद है, उसने 5 किताबें खरीदी। मैंने बोला इसे बहुत अच्छी केमिस्ट्री आती है, मैंने भी 5 खरीदी। मैंने भी 5 खरीदी, और जो केमिस्ट्री मेरे 14 नंबर आए थे वो भी मैंने गए। इसलिए ब्लाइंडली अपने दोस्त को फॉलो, तुमको पता होना चाहिए कि तुमको सलाह भी किससे लेनी है। पहली चीज, आपको सलाह किससे लेनी है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आज यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, जो आप तैयारी करने वाले हो क्या वो मैं कर चुका हूं? हाँ। जो गलतियां मैंने करी है क्या वो मैं आपको बता रहा हूं? हाँ। जहां तुम आज बैठे हो वहां मैं बैठ चुका हूं। क्या मुझे पढ़ाना आता है? हाँ। इसलिए आई एम द आइडियल पर्सन टू गाइड यू। तो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, मुझे भी एक ऐसे इंसान मिले थे, मुझे मिले थे मेरे गुरु जो हैं, उन्होंने मुझे 12th में इतनी अच्छी गाइडेंस दी थी, तब जाके मैंने जिंदगी में खुद सेलेक्ट किया। मेरी डीजी शिपिंग में ऑल इंडिया रैंक 190, आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम डीजी शिपिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, और ये मेरी 1 साल की मेहनत थी, 1 ईयर, 1 साल, और उसमें भी हकीकत बता दूं, मैं इनऑर्गेनिक छोड़ के गया था, नहीं आती थी मुझे, पर मुझे ये पता था कि जितना मुझे आता है उसमें मैं 100% दूं। 11th के बाद, 11th में सोच मेरा 1 साल एकदम बर्बाद, उसके बाद मैं चाहता ना तो मैं हार मान के बैठ सकता था, तो मैं आज यहां नहीं खड़ा होता। इसलिए तुम पहले ये मत सोचो कि ये एग्जाम टफ है। पहली चीज तो, अगर जिंदगी में तुम्हें कोई बोलता है ना कि कोई एग्जाम टफ है, तो पहले उस आदमी से पूछो क्या तुमने वो एग्जाम दिया है।
डोंट ब्लाइंडली फॉलो द सोसाइटी, तो सोसाइटी की सुनना बंद कर, सोसाइटी वाले तुम्हें जिंदगी भर सुनाएंगे, मुझे आपने 30 साल की उम्र तक सुना रहे थे जब तक मेरी शादी नहीं हुई, भैया शादी कब कर रहे हो, अब वापस सुना रहे हो बच्चा कब कर रहे हो। सोसाइटी वाले तुम्हारा पीछा जिंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाले, अगर जिंदगी में किसी की सुनना है, योर मॉम योर डैड एंड योर मेंटर, तुम्हारे माता पिता निस्वार्थ, उनको कुछ नहीं चाहिए भैया तुमसे, अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में, अचीव कर चुके हैं लाइफ में। एंड थर्ड इज योर मेंटर, तू सोच मैं यहां पे आके आज तुझे ज्ञान बांट रहा हूं, मेरा क्या फायदा, तुम मुझे क्या दे दोगे, क्या दे देना है तुमने मुझे। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं 90%, 80%, चलो 10th क्लास में बात करते हैं, 80-90% तुम्हारे मार्क्स आते हैं, जय सनी तुम्हारे नाम पे होर्डिंग छापते हैं ना, अरे प्रैक्टिकल बात करो, एडवर्टाइज करते हैं ना तुम्हारे अच्छे मार्क्स पे, प्रैक्टिकल मतलब ही वॉन्ट्स यू टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। सो ट्रस्ट योर मेंटर एंड ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। अगर जिंदगी में किसी की सुननी है तो अपने मेंटर की सुनो, ना कि अपने दोस्त की हो पड़ोसी। एक तो बच्चे कई बार ये प्रॉब्लम लेके आते हैं, सब पेरेंट्स ना हमें समझते ही नहीं है, सर मम्मी पापा को नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पेरेंट्स आपसे कितनी उम्र वाली है, एवरेज 16 साल, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे 16 साल पीछे और 16 साल के भी पहले और 20 साल मतलब ऑन एवरेज 25 साल पीछे है वो। उनके जनरेशन में ये मोबाइल या इंटरनेट का जमाना, मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, वैसे उनको गाइड करने वाला तो कोई था ही नहीं। इसलिए ऐसा हो सकता है कई चीजों में कि आपकी नॉलेज उनसे थोड़ी ज्यादा हो, मैं आपको 100% बता रहा हूं, वो हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी चीज बोले कि बेटा ऐसा कर, लेकिन वो शायद आपके लिए ठीक ना हो शायद, लेकिन उनकी नीयत हमेशा साफ होगी, वो तुम्हारे लिए जो चाहेंगे वो साफ दिल से चाहेंगे, और अगर उन्हें नहीं पता है दे विल फाइंड द राइट मैन फॉर यू, तुम्हें उसके पास लेके जाएंगे जो तुमको हेल्प कर सके। ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, अपने माता पिता और मेंटर, इसके अलावा अगले 2 साल तुम्हें किसी की नहीं सुननी, जहां पे भी आप पढ़ोगे आपको किसी की नहीं सुननी। गॉट माय पॉइंट। दूसरी चीज सीईटी, सर जेईई सीईटी सबसे पहला टारगेट तुम्हारा होना चाहिए, द बेस्ट कॉलेज, अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बात करूं तो जेईई। Start preparing yourself for JEE. मेहनत करो उसके लिए। पहली चीज तो मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा जो honestly 100% मेहनत करे और ये एग्जाम क्रैक ना कर सके, मैंने नहीं देखा 100% मेहनत और ये एग्जाम क्रैक ना कर सके, ऐसा मैंने नहीं देखा। रोहित सर मेरे कजन है, मुझे पता है वो कितना पढ़ते थे, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे उन्हें ये भी पता नहीं चलता, मैंने देखा हुआ एग्जांपल है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे उन्हें ये भी नहीं पता चलता था पेपर खत्म हो गया, उसके नीचे जो टेबल होती थी उस पे करने लग जाते थे। वो मेहनत करी उस लड़के ने तब जाके 600 रैंक आई थी। अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करते हो, पहली चीज तो ये हो नहीं सकता कि आप एग्जाम क्रैक ना करो, सो ये चीज आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए दैट दिस एग्जाम नहीं हुआ तो, पहली चीज तो ये आना ही नहीं चाहिए। Secondly, because of X, Y, Z, any reason, अगर आप exam crack नहीं कर पाते हो, then go for the second best option. IIT नहीं, तो NITs. NITs नहीं, BITSAT. और बहुत सारे colleges हैं. Then आप आओ ये state level colleges पे. एक अच्छे college की degree मायने रखती है. मैं आपको अभी को बता दूँ ये जितनी लग्जरी कार्स हैं, BMW, Mercedes, अभी खरीदने जाओगे ना और आप सिर्फ अपनी डिग्री दिखाओगे कि देख मैं इस कॉलेज से हूँ, IIT से या AIIM से, आपको डिस्काउंट देते हैं वो 1,00,000 रुपए का सीधे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये इंपॉर्टेंस है डिग्री की, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, पता कर लेना वहां जाके। सो पहली चीज तो रन बिहाइंड अ गुड डिग्री एंड सेकेंडली स्टे फोकस्ड एंड वर्क हार्ड, अपने अंदर वो काबिलियत पहली चीज आप अभी तक जो थे और अब आगे जो बनोगे इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। तुम ऐसा सोच लो कि जो तुम आज हो ये आज से 25 साल बाद रहोगे, मैं नहीं मान सकता। यू विल चेंज एंड यू विल डेवलप योरसेल्फ।
ये टीचिंग स्किल जो मैंने या जय सर ने या रोहित सर ने डेवलप करी एक दिन में नहीं आई भाई साहब, सालों लगे हैं इसमें. एंड वी आर इवन फोकसिंग हाउ कैन वी मेक दिस बेटर. रोज आप चीजों को डेवलप करते हो. किसी को कोडर बनना है, सपोज मान लो किसी को वर्ल्ड का बेहतरीन कोडर बनना है, तो आप किसी अच्छे कॉलेज से सीएस कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करोगे, फिर आप उसमें जाके और मास्टर्स करोगे, फिर आगे करते करते सीखते सीखते वर्क एक्सपीरियंस लेते आप दुनिया के बेस्ट कोडर बनोगे. तो वो जो तुमने 30 साल बाद बनना है उसकी जर्नी आज से शुरू हो. ये दो पहले तो ये दो साल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दिमाग से निकालो. 11th and 12th आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ. तुझे मेहनत 100% करनी है. तू ये दो साल कर या दो साल के बाद फाइल लेके ऑफिस ऑफिस जाके कर, पर करनी 100% है. यू हैव टू डेवलप दैट स्किल. एंड स्किल बेस्ड करियर इज द बेस्ट करियर. ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा. अगर जिंदगी में कुछ बनना अपने स्किल के भरोसे बनना. प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. मेरा स्किल टीचिंग है, मुझे पढ़ाना आता है. नेवी में था, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था आई कैन टीच. मैंने छोड़ा है ना, मैं टीचिंग राइट नाउ. ये बिल्डिंग कल को रहे ना रहे मुझे कॉन्फिडेंस है मैं पढ़ा सकता हूं. वो मेरा स्किल है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस में. तू सोच अगर मैंने आज किराने की दुकान खोली कल को और पे पाया धंधा बन. ऐसा बिजनेस आपको, यू हैव टू चूज अ स्किल बेस्ड करियर. और वो स्किल एक दिन में आप डेवलप नहीं कर पाओगे. सो वो स्किल डेवलप करने की जर्नी आप अब से शुरू करोगे. डिग्री की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? सो डिग्री एंड सक्सेस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. इनको मिक्स मत करो. वो सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनती बनना है. डिग्री सक्सेस के दरवाजे पहले खोलेगी. क्या मेरी बात समझ आ रही है? और किसी के मन में कोई विचारधारा है बोलो. एनी डाउट किसी को लगता है और कुछ? यूपीएससी वगैरह मैं आपको हर चीज की गाइडेंस बता सकता हूं. जितना मुझे पता है मैं आपको बता सकता हूं. एनीथिंग एल्स? नाटक कितने लोग करने वाले हैं? पहली चीज तो यू हैव टू बी रियली गुड इन ड्रॉइंग 100%. ठीक है, उसके बाद में एक तो ये नाटक का व्हाई डू वांट टू डू नाटक अगेन. जेई पेपर टू क्यों नहीं देना? तुमने जेई की तैयारी कर ली, आंख बंद करके जाना, सीबीटी का पेपर देके आना, टॉप मारोगे मेरी गारंटी है. मैंने दिया हुआ है. मेरी जेई एडवांस में 2010 का डेटा बता रहा हूँ. मेरी जी एडवांस में ईएमएम ने रैंक आई थी 150, और मेरी यूपीडीयू में रैंक आई थी अंडरसाइड 200 कुछ. सीईटी का पेपर उठा के देखना तुम कभी, जेई के सीईटी के बहुत बहुत सिंपल होते हैं. ये एग्जाम टफ नहीं होते हैं. एग्जाम का हवा बहुत टफ होता है जो बच्चों को डरा देता है कि यार एग्जाम बहुत टफ है. अगर एग्जाम टफ होता तो कोई नहीं कर पाता भाई साहब, और एवरेज बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर पाते. क्या तुमने एवरेज बच्चे सेलेक्ट होते हुए देखे? एवरेज बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते. अगर एग्जाम इतना टफ होता, एग्जाम टफ नहीं होता है, उसकी जर्नी टफ है. ये जो दो साल तुम मेहनत करोगे ना, ये दो साल 365 दिन दो बार सोच, हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई, ये हर बंदा नहीं कर सकता. अगर तुम ये करते हो तो ये जर्नी टफ है, वो एग्जाम टफ नहीं है जिसमें आप बैठोगे. सिमिलरली यूपीएससी की जर्नी टफ है, एग्जाम टफ नहीं है. Getting my point. So guys, best of luck for your board exams and all the best. Whatever you do in your life, कुछ भी करो जिंदगी में, कुछ भी, तीन बातें हमेशा याद रखना. Firstly,
अपने माँ बाप का नाम रोशन करो. थिंक ऑफ योर पेरेंट्स बिफोर योर सेल्फ. अपने आप से पहले थिंक फॉर देम. एंड सेकेंडली, अगर कुछ कर सको तो देश के लिए कुछ करो. गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. जो आपको, जो तुम्हें आज मैं बता रहा हूं, ये तुमने आज से 10 साल बाद किसी को बताना है. गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. चलो.